केवल 5 दिन में पासपोर्ट आएगा, है ना हैरानी की बात। आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना कि यार जिस पासपोर्ट के लिए पहले हम एप्लीकेशन वगैरह सब भरने के बाद उसमें हमारे को 15 से 20 दिन का टाइम लगता था, नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अब जो है केवल 5 दिन का टाइम लगेगा। तो यार फिर तत्काल में और नॉर्मल में फर्क क्या रह गया? तत्काल जहां पर हमारे को 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाता था, वहीं पर जो नॉर्मल वाला पासपोर्ट है यानी कि नॉर्मल जो हम अप्लाई करते हैं उसमें जो पहले 15-20 दिन का टाइम लगता था अब वो केवल 5 दिन में होगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या चीज होने वाली है। क्या आप लोग देश से बाहर जाने की घूमने की योजना बना रहे हैं लेकिन पासपोर्ट नहीं होने की वजह से आपके प्लान में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है? लेकिन दोस्तों अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं ना उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं मैं आज की वीडियो में। लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि ये जो खुशखबरी होने वाली है ना ये फिलहाल अभी केवल दिल्ली वालों के लिए है। तो दिल्ली वालों के लिए जो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होने वाला है, यानी कि जिस वेरिफिकेशन में पहले वो पुलिस वाला आता था फिर आपकी वो वेरिफिकेशन करता था, 1-2 साइन करता था, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट जो था वहां से रिलीज होता था और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आता था। तो पहले जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 15-16 मतलब 20 दिन के आसपास लग जाता था वो काम अब प्रोसेस जो है पूरा का पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद तक का जो आपका प्रोसेस है ना वो अब केवल 5 दिनों के अंदर होने वाला है। अब ये 5 दिन के अंदर पासपोर्ट कैसे बनेगा आइए पहले थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जब आप अपनी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन यानी कि वहां पर जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएंगे वहां पर आपको फोटो फिंगरप्रिंट ये सब चीजें होने के बाद वहां पर आपको 1 या 2 लेवल्स के बाद आपको गुजरना पड़ता है। वहां से आपकी जो वेरिफिकेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी वेरिफिकेशन के लिए जब वो पुलिस वाले को पुलिस थाने भेजी जाती है तो वो अब प्रोसेस जो है केवल दिल्ली के लिए ही वो ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो यानी कि आपकी जो वेरिफिकेशन है ना जो पहले फिजिकली पुलिस वाला आपके घर पर आता था आपके 2-4 डॉक्यूमेंट्स देखता था फिर उसके बाद आपसे साइन करवा के और लेकर जाता था और अपनी रिपोर्ट तब जाके सबमिट करता था, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में 8 से 10 वर्किंग डेज का टाइम लगता था, अब वो जो होगा वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट वहीं से बनकर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपका पासपोर्ट वहीं से बनकर जो है रिलीज भी कर दिया जाएगा। तो यानी कि 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट जो है आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें एक खुशखबरी ये हुई कि दिल्ली वालों के लिए अब कम से कम तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज कहां से पता? ये चीज अमित शाह जी ने अपनी रैली में कही है कि अब पासपोर्ट की वेरिफिकेशन जो है केवल दिल्ली के अंदर अभी फिलहाल जो है वो पूरे तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। तो इस चीज में अब आप सोच सकते हो कि एक तो जो पासपोर्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉइज है उनका बर्डन कितना कम होने वाला है, जो पुलिस स्टेशन पर वेरिफिकेशन के लिए जाती है उनका बर्डन कितना कम होने वाला है और साथ ही में हमारा बर्डन तो कम होने ही वाला है क्योंकि हमारा प्रोसेस जो इतनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। अब आते हैं उन 2 सबसे खास बेनिफिट्स पर जिनका फायदा जो है दिल्ली वाले सबसे पहले उठाने वाले हैं। एक तो जब आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसकी फीस नॉर्मल फीस है 36 पेज की बुकलेट के लिए वो है 3500 की और अगर आप 60 पेज की बुकलेट पर जाते हो तो उसके लिए आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जबकि अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन अप्लाई करते हो ना तो उसमें आपको 1500 की फीस पे करनी पड़ती है 36 पेजेस की बुकलेट के लिए और 60 पेजेस की बुकलेट के लिए आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 2000 रुपए देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे 2000 रुपए बच गए। उसके अलावा जब पुलिस वाला वेरिफिकेशन करने घर पर आता है वो भी बिना रिश्वत के तो जाता नहीं है, तो वो रिश्वत जो है अब हमारी बच जाएगी, वो भी कम से कम 100-200 रुपए वहां पर भी हमारे सेव हो जाएंगे। सो एटलीस्ट हमारे को 2000 से लेकर 2500 तक का बेनिफिट तो ऑब्वियसली मिलने वाला है। और अगर ऐसा बेनिफिट मिले तो कौन सा बंदा ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि भाई मेरे को 2000 बच भी जाए और मेरा पासपोर्ट भी जल्दी आ जाए, तो है ना कमाल की चीज। अब आपको अप्लाई कैसे करना है सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना है, उसके बाद वहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी और डिटेल्स डालनी है और वहां पर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है, फिर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, वहां पर आपको फीस पे करनी है। पे एंड शेड्यूल का जब ऑप्शन आएगा ना तो वहां पर आपको पहले फीस पे करनी है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है अपनी मर्जी से शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने नंबर रजिस्टर किया है उस पर और साथ ही में आपकी मेल आईडी पर और साथ में वहीं जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर देंगे ना तो वहां पर भी आपके सामने जो आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल्स होंगी ना वो सब आपके सामने नजर आ जाएंगी। बस अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है और उसके बाद आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर वहां से अप्लाई कर देना है।
बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और किस टाइप के पासपोर्ट के लिए आपको, अगर आप पासपोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप रीइश्यू करवाना चाहते हैं यानी कि आपने पहले पासपोर्ट बनवा रखा है और उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, दोबारा पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, और साथ ही में अगर आप स्टेप बाय स्टेप किस किस स्टेप पर कौन कौन सी डिटेल्स आपको भरनी है, अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से ऐसी ही इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।